गोरखपुर में बृहस्पतिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,197 पहुंच गया है। इनमें 20,551 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 348 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 298 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की है। बृहस्पतिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 11 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 6 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कोतवाली में 1, शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 12 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रह्मपुर, कौड़ीराम, खोराबार, पिपराइच में 1-1, खजनी में 2 और चरगावा में 6 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में 3 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।